एक पति ने अपनी पत्नी का सर धड़ से अलग किया और फिर उसके सर को देवी के चरणों में चढ़ा दिया। दोस्तों आखिर ऐसा क्या हुआ था जो एक पति ने अपनी पत्नी की ही बलि दे दी देवी के चरणों में। दोस्तों इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना है एमपी की। एमपी के अंदर राजेश नाम का एक लड़का रहता था जिसकी उम्र थी 35 साल। दोस्तों उसकी शादी आज से 15 साल पहले विमला देवी के साथ हो जाती है और उनको अब एक लड़का भी है। लड़का की जो एज है वो 10 साल है और सभी अपने परिवार में हंसी खुशी रह रहे हैं। जो राजेश है वो मजदूर है, मजदूरी करता है और अपने परिवार का भरण पोषण किया करता है। दोस्तों राजेश और राजेश के परिवार में पहले भी लोग देवी को प्रसन्न करने के लिए, कुछ मन्नत पूरी करवाने के लिए मुर्गे की और बकरे की बलि चढ़ाया करते थे। कुछ परिवारों में यह रिवाज होता है, प्रथा होती है। इसी तरह से जो राजेश का परिवार था वहाँ पे भी एक प्रथा थी, जब कोई मन्नत देवी से मांगनी होती थी तो उसके चरणों में बकरे की और मुर्गे की बलि दिया करते थे। दोस्तों कुछ ही दिन पहले राजेश ने देवी के चरणों में एक मुर्गे की बलि दी थी। उसको कुछ मन्नत मांगनी थी देवी से और देवी से मन्नत मांगने के चक्कर में उसने मुर्गे की बलि दी थी, लेकिन उसकी मन्नत पूरी नहीं हो पाई थी। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद वह अपने घर में आकर अपने घर में पूजा पाठ करने लगता है और पूजा पाठ कम से कम 8-10 दिन उसके गुजर जाते हैं पूजा पाठ करते करते। और उसका जो लड़का होता है वह भी वहीं पर रहता है, उसकी पत्नी होती है वह भी घर पर ही रहती है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, एक दिन रात को उसका जो बेटा होता है 10 साल का, उसकी आँखें खुलती हैं और जब उसकी आँखें खुलती हैं तो उसको मम्मी पापा के बीच की लड़ाई सुनाई देती है। यानी कि जब उसकी आँखें खुलती हैं तो वह देखता है कि उसके मम्मी और पापा आपस में झगड़ा कर रहे हैं। उसका पापा ये कह रहा है कि तू देवी के चरणों में अपने सर को झुका और मैं तुम्हारी बलि दूंगा, मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। दोस्तों वह एकदम से खड़ा होता है, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है कि आखिर पापा ये कर क्या रहे हैं, मम्मी की बलि देना चाहते हैं। तो वह अपनी मम्मी को बचाने के लिए मम्मी के पास जाता है, लेकिन राजेश के हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। वह कुल्हाड़ी को अपने बेटे की तरफ करता है और कहता है कि तू दूर भाग जा वरना मैं तुझे भी देवी के चरणों में बलि देकर तेरी चढ़ा दूंगा। बेटा दूर हो जाता है। उसके बाद दोस्तों पत्नी से लड़ता रहता है लेकिन पत्नी मानती नहीं है, तो फिर क्या करता है, वह पत्नी के बालों को पकड़कर और उसकी गर्दन पर कुल्हाड़ी को चला देता है और एक ही बार में अपनी पत्नी के सर को उसके धड़ से अलग कर देता है। दोस्तों सर को बालों से पकड़कर वह देवी के चरणों में चढ़ा देता है और जो धड़ में से खून निकल रहा था उस खून को कटोरे में भरकर फिर देवी के ऊपर अभिषेक करता है। उसके बाद वह फिर से आलटी पालटी मारकर भक्ति पर बैठ जाता है। दोस्तों वह रात भर पूजा करता रहता है लेकिन कुछ भी नहीं होता है। अंततः वह खड़ा होता है और वह देखता है कि देवी प्रसन्न नहीं हुई। फिर वह अपनी पत्नी के सर को फेंक कर फर्श में और वहाँ से वह भाग खड़ा होता है। और दोस्तों जो उसका बेटा होता है वह उस समय बेहोश हो जाता है जब उसका पापा उसकी मम्मी को मार देता है। अब बेटे की बेहोशी खुलती है तो वह देखता है कि उसकी मम्मी फर्श पर मरी हुई पड़ी है। वह चिल्लाता है, आस पड़ोसियों को बुलाता है, आस पड़ोसी इकट्ठे होते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस को उसका बेटा सारी घटना बताता है कि पापा ने यह कांड किया है। पुलिस उसके पापा राजेश को ढूंढती है और 2 ही दिन में उसको पुलिस ढूंढ लेती है। दोस्तों फिर पुलिस उससे पूछती है कि आखिर तुमने ऐसी क्या मन्नत पूरी करवानी थी देवी माता से जो तुमने अपनी पत्नी की बलि दे दी। तो वह कहता है कि मन्नत यही थी मेरी कि देवी मैया मुझे पैसा दे और मेरे घर को पैसों से भर दे और मेरी पूजा खराब हो गई वरना मेरी पत्नी जिंदा हो जाती, क्योंकि मेरी पूजा अच्छे से मैं कर नहीं पाया। दोस्तों ऐसे ऐसे वाक्य भी समाज के अंदर हो जाते हैं। पुलिस उसको पकड़ती है, कोर्ट में पेश करती है, उसको सजा हो जाती है। वो जो बच्चा अनाथ रह गया था वो किसके सहारे जिएगा, ऐसी बेवकूफ़ी भी समाज के ही अंदर होती हैं। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे इस मामले के ऊपर, उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, और मिलनी चाहिए तो कैसी सज़ा मिलनी चाहिए राजेश को, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों इसी तरह की घटनाएं मैं अपने चैनल पर लेकर आता हूं और जो सच्चाई पर आधारित घटनाएं होती हैं और आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में किसी सच्चाई के ऊपर आधारित घटना के ऊपर बहुत जल्दी आपके सामने फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहिए, सावधान रहिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।